Hi my dear students, now we are here with question number 4 of exercise 9.2. I know that many of my students don't like to prove parallelograms and triangles. मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे students fed up हो चुके हैं कि ये कितना सारा proving है, लेकिन उनकी problems को ही solve करने के लिए मैं बहुत easy techniques के through सारे sums को easily prove करके देखेंगे हम यहाँ पे. अब हम इस क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं. जैसे हमें बोला गया है कि एक फिगर दी गई है हमको यहाँ पे, जिसमें एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी एंड पी इज एनी पॉइंट. पी कोई इंटीरियर में कोई पॉइंट है ओके इस पैरेललोग्राम में. अब हमें शो करना है दैट ट्रायंगल ए पी बी उसका एरिया प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, ये वाले ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी. ये देखने में थोड़े से हमको कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स लगते हैं, लेकिन हम अगर इसको बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम को ऑब्जर्व करें, हमसे क्या क्या पूछा गया है वो ट्राइंगल्स को अलग से बना लें, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू प्रूव वट एवर इज आस्क्ड. चलो हम यहाँ पे देखते हैं बहुत इजी तरीके से क्या हम कर सकते हैं. सबसे पहले हम इस पैरेललोग्राम को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई जो कि हमें फिगर में नहीं दी गई हैं, इसलिए मैंने रेड कलर से अलग से मार्क की है. हम यहाँ पे दो पैरेलल बनाएंगे, पहली पैरेलल जी एच विच इज़ पैरेलल टू ए डी, दूसरी पैरेलल ई एफ विच इज़ पैरेलल टू ए बी. अब ये पैरेलल्स एक्चुअली कर क्या रही हैं वो हमें अगली फिगर में ईजिली समझ में आ जाएगा. तो हम यहाँ पर दूसरी फिगर देखते हैं. यहाँ हमने पहली पैरेलल ली है ई एफ, क्योंकि हमें ए पी बी ट्राइंगल देखना है और पी सी डी ट्राइंगल देखना है. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस पैरेललोग्राम को इस लाइन के थ्रू दो पैरेललोग्राम्स में डिवाइड कर दिया है, बिकॉज ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, राइट. सो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये पूरा पैरेललोग्राम इज़ डिवाइडेड इंटू टू पैरेललोग्राम्स. ओके, अब हम ओनली पहले समझने के लिए नीचे वाला पैरेललोग्राम देख लेते हैं. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पैरेललोग्राम है उसमें क्या हो रहा है, प्रूव हमें दिया है, दोबारा टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है, हमने कंस्ट्रक्शन सिर्फ लिख लिया ड्रॉ दिस एंड ड्रॉ दिस पैरेलल. ओके नाउ अब हम डायरेक्ट प्रूफ पे चलते हैं. तो हम सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लें या नीचे वाला, बट समझाने के लिए मैं आपको पहले नीचे वाला पैरेललोग्राम लेता हूँ. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, राइट. एंड ऊपर अगर हम देखें तो हमें उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम. रीज़न, ऊपर वाले पैरेललोग्राम और ट्राइंगल में ये कॉमन बेस है एंड ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, हम यहाँ बना लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. सिमिलरली नीचे वाले पैरेललोग्राम में ये कॉमन बेस आ रहा है ये ट्राइंगल के साथ एंड ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल हो गई. सो बिटवीन टू पैरेलल्स एंड विद कॉमन बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है इट इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट. अब हम यही चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं. सो हम लिखते हैं इन पैरेललोग्राम ए ई एफ बी एरिया ऑफ ए पी बी ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए ई एफ बी, राइट. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. हम यहां लिखते हैं सिमिलरली इन पैरेललोग्राम ई डी सी एफ, ई डी सी एफ इन दिस पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ई डी सी एफ, राइट. अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन मान के दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देते हैं, सो वी राइट एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, व्हाट डू वी हैव हियर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी पी इज इक्वल टू हाफ, वी हैव टेकन कॉमन एरिया ऑफ ए ई एफ बी प्लस हाफ इज कॉमन सो एरिया ऑफ ई डी सी एफ,
ओके जब हम एपीबी और डीसीपी हमें प्रूव करना है ओके इसको जब हमें प्रूव करना है क्या करना है हाफ ऑफ एबीसीडी तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो एईएफबी प्लस ईडीसीएफ एईएफबी प्लस ईडीसीएफ कुल मिला के क्या बन जाता है एबीसीडी राइट सो वी राइट हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी ये हो गया हमारा पहला प्रूफ अब हम बात करते हैं दूसरे प्रूफ की तरफ सेकेंड प्रूफ में हमें ये इक्वेशन काम लगेगी हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं दैट एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज हाफ ऑफ ए बी सी डी अब हमें जो सेकेंड प्रूफ करना है उसमें हमें ये दो ट्राइंगल्स का सम इक्वल टू ये दो ट्राइंगल्स के सम के इक्वल रखना है तो उसके लिए हमें ये दोनों ट्राइंगल पहले लेने पड़ेंगे तो हम ये वाली पैरेलल कंसिडर करते हैं एंड वी राइट हियर इसी तरीके से दैट इन दिस पैरेललोग्राम हमने दो पैरेललोग्राम बना लिए ओके तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इन पैरेललोग्राम ए डी जी एच इन पैरेललोग्राम ए डी जी एच ये जो ट्राइंगल का एरिया बन रहा है अगर हम ध्यान दें सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी जी एच एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी जी एच इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन सिमिलरली हम ये पैरेललोग्राम में बात करें सो वी कैन राइट सिमिलरली इन पैरेललोग्राम बी सी जी एच बी सी जी एच एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी पी ओके और पी बी सी इट इज वन एंड द सेम थिंग इक्वल टू हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम दैट इज बी सी जी एच ओके ये हमने मान ली फिफ्थ इक्वेशन सो अब हम जब इक्वेशन फोर और फाइव को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी जी एच प्लस हाफ वी हैव टेकन कॉमन बी सी जी एच ओके दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो अब देखें ए डी जी एच ओ और बी सी जी एच इन दोनों को मिला के ए बी सी डी बन गया सो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी डी नाउ दिस इज माई सिक्स्थ इक्वेशन अब थर्ड इक्वेशन में भी हाफ ए बी सी डी आया था सिक्स्थ इक्वेशन में भी हाफ ए बी सी डी आया है नाउ वी कैन कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड सिक्स एंड व्हाट वी कैन से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी पी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी पी सो वी हैव सीन कितने इजीली वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन आई होप यू हैव अंडरस्टूड थैंक्स फॉर वॉचिंग